हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आइए, आज हम लोग क्लास टेंथ में जो पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसका जो है एक एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज हमने जो है आपको पढ़ाया था ये फिगर बना के कि ये आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मैं भी ऐसे बनाया था ना, ये रफली बता रहा हूँ। तो ये आपका जो है माउथ, ये क्या है? माउथ, अपर एंड लोअर लिप जो है क्या है? माउथ है ये, ठीक है ना। इसे माउथ बोलते हैं, मुख बोलते हैं, लेकिन इसके इंटरनल वाले यानी भीतर की तरफ माउथ खोलेंगे तो क्या होगा? एक कैविटी यानी खाली स्थान दिखेगा, जिसे हम लोग गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मुख गुहा। अब मुख गुहा का नाम बहुत सारा इंग्लिश में है, तो माउथ कैविटी भी कह सकते हो, बगल कैविटी भी कह सकते हो, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं आप। तो आज हम लोग जो है माउथ कैविटी के बारे में ही पढ़ेंगे। जेन्युइन है कि आप जो है अपना जो है माउथ में खुद ही देख सकते हो, यानी आप माउथ कैविटी में आप खुद ही सर्च कर सकते हो कि क्या क्या है आपके मुख गुहा में। खोलो, शीशे के सामने जाओ और देखो क्या क्या चीज़ है। तो आप जीभ से जब टच करोगे तो ऊपर नीचे जो है क्या है, कठोर एक लेयर है, जैसे हम लोग तालू बोलते हैं इंग्लिश में, से पैलेट्स बोलते हैं। ये दूसरा चीज़ है हम लोग का टंग यानी जीभ है। ये तीसरा चीज़ हम लोग का जो है जौ, जबड़ा। जो जबड़ा जो है किससे मिलकर बना हुआ है? तो टीथ से मिलकर बना हुआ है, दांतों से मिलकर बना हुआ है। अब ये दांतें जो हैं आपके माउथ में चार प्रकार की होती हैं, जिसे हम लोग हेट्रोडोंट्स बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं। और ये जो दांत जो होती हैं टूट के दो बार निकलते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द्विबार दंती, देसी द्विबार दंती बोलते हैं, डायोफियोडोंट्स इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, डायफियोडोंट्स बोलते हैं। तीसरा पोजीशन क्या है? तीसरा तो जान गए जो। चौथा पोजीशन क्या है? तो सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां हैं आपकी जो है मुख गुहा में जो है क्या है, तो लार ग्रंथियां हैं जो सलाइवा यानी लार हमेशा स्रावित करती है। तो आइए इसको हम लोग वन बाई वन करके पढ़ें। यह आपका जो है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी का पहला भाग होता है पैलेट्स यानी कि तालू होता है। आप माउथ में जब ऊपर नीचे जीभ से टच करोगे तो ये सॉलिड एरिया होता है, ठोस भाग होता है। और ये जो ठोस भाग जो होता है तो आप देखोगे कि पूरा एक कवर किए हुए होता है, कवर बनाया हुआ होता है। फिर जब माउथ जब ओपन करोगे तो पीछे की तरफ जो है एक लटका हुआ भाग होता है, थोड़ा सा जैसे हम लोग जो है वो एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। और ये जो होता है वो मुलायम पार्ट्स होता है पीछे वाला भाग, तो उसे हम लोग सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट तालू यानी मुलायम तालू। दूसरा हम लोग का टंग यानी कि जीभ। जीभ जो है चार प्रकार की जो है स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिसे हम लोग टेस्ट बर्ड कहते हैं। अब जीभ की जो बनावट होती है, तो जब जीभ को आप शीशे में मिरर में देखोगे तो ये जो है राउंड राउंड जो होता है ना, इन गोला गोला स्ट्रक्चर होता है, और उसके बीच में कटा हुआ भाग होता है जो आपका ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में शो होता है, धागे के रूप में शो होता है। ऊपर उल्टे वी शेप में शो होता है, उसके ऊपर जो है आपका वो लिम्फ होता है, और किनारे किनारे जो है आपका और ट्रांसपेरेंट जो पत्तियों की तरह संरचनाएँ होती हैं, जिससे हम लोग फोलिएटेड बोलते हैं या पॉडिल बोलते हैं। इसको हम लोग क्रम से क्या बोलेंगे? तो ये जो आपका जो थ्रेड लाइक है उसे फिलीफॉर्म पपेलिया बोलते हैं, यानी कि तंतुवत अंकुर। फिर ये गोलाकार जो है उसे बोलते हैं फंजीफॉर्म पपेलिया यानी कि कवक रूपी अंकुर। फिर किनारे किनारे दोनों भाग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पररिल अंकुर, जिसे इंग्लिश में फोलिएटेड बोलते हैं। उल्टा भी के आकार का होता है उसे क्या बोलते हैं? सरकम बैलेट्स या परिकोटेड अंकुर बोलते हैं। ये आगे वाला जो होता है ये तो कटा हुआ भाग है, तो इसमें कोई बर्ड नहीं होता है, ये आपका टेस्टलेस होता है, ये स्वादहीन होता है, मतलब कोई स्वाद नहीं बताता, टेस्टलेस होता है, स्वादहीन नहीं टेस्टलेस, यानी कोई स्वाद रहित यानी कोई भी स्वाद नहीं बताता है। लेकिन दूसरा जो होता है फंजीफॉर्म पपेलिया जो राउंड होता है पूरे जीभ पे, वो आपका सबसे पहले मीठा बताएगा फिर नमकीन बताता है, यानी पहले स्वीटी बताएगा फिर उसके बाद से स्वीट के बाद साल्टी बताएगा। तीसरा जो होता है आपका फोलिएटेड होता है, जो साइड में होता है, तो खट्टे पदार्थ बताते हैं। आप कभी भी जो खट्टा पदार्थ खाओगे तो साइड वाला जो पोजीशन होता है उसमें खट्टा ज़्यादा महसूस होता है। और तीखा सबसे पीछे होता है, यानी कसैला या तीखा, जिसे हम लोग बीटर बोलते हैं। तो ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो हमें बीटर यानी कसैला या तीखा स्वाद का एहसास कराता है। तीसरा पोजीशन हम लोग का है जो है जॉ यानी कि जबड़े। जबड़ों में आपके दो मेन पार्ट्स होते हैं, थीकोडोंट्स एंड हेट्रोडोंट्स।
थीकोडोंट्स का मतलब होता है गर्त दंती यानी ढांचा, जो हम लोग का दांत जिस पर बैठा होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट यानी ढांचा बोलते हैं। तो थीकोडोंट्स होता है जिस पर हमारे दांत बैठे होते हैं। दांत कितने होते हैं, तो हम लोग के दांत जो होते हैं हेट्रोडोंट्स होते हैं, विषम दंती होते हैं, यानी चार प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर यानी बीच वाला भाग जिसे कृंतक बोलते हैं, फिर साइड वाला भाग कैनिन्स जैसे रदनक बोलते हैं, फिर साइड वाला भाग प्री मोलर जिसे प्राचवर्णक बोलते हैं, फिर लास्ट वाला मोलर जिसे हम लोग चवर्णक बोलते हैं या चवर्णक बोलते हैं उसको। तो आपका इंसीजर, कैनिन्स, प्री मोलर एंड मोलर। दांत का सूत्र याद करने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है, 2 1 2 3 2 1 2 3 एंड 2 upon 2, 1 upon 1, 2 upon 2 एंड 3 upon 3 पेयर। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 upon 8 पेयर, यानी कि 16 ऊपर 16 नीचे, यानी टोटल 32 दांत। देखो 2 1 2 3 पेयर्स में है, और इसको अगर हम लोग जोड़ने कितना हो जाएगा, 8 upon 8 पेयर, यानी कि 16 ऊपर 16 नीचे, यानी टोटल 32 टीथ। क्लियर है। अब जो है डेसीड्यूस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, दूध वाले दांत, मिल्की टीथ, ये वो दांत होते हैं जो डायफ्यूडेंट्स होते हैं, मतलब दो बार निकलने वाले, लाइफ में दो बार निकलते हैं, एक बार जन्म के बाद निकलता है, फिर टूटता है, फिर दोबारा निकलता है, लेकिन तिबारा नहीं निकलेगा, टूट गया तो ख़त्म। कौन कौन सा दांत होता है, इंसीजर, कैनिन्स और मोलर। इंसीजर का 2 upon 2, कैनिन्स का 1 upon 1 और मोलर का आपका 2 upon 2, कितने हुए, 2 1 3 एंड 2 5 यानी 5 upon 5 पेयर। तो 10/10 यानी टोटल कितने दांत, तो 20 दांत, यानी आपके लाइफ में 20 दांत जो होते हैं टूट के क्या होते हैं, दोबारा निकलते हैं, टूट के वो दोबारा निकलते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो परमानेंट टीथ में आपका जो है प्री मोलर हुआ, इसमें प्री मोलर नहीं था, तो चूँकि प्रीमोलर जो होता है लेट्स में निकलता है, यानी लगभग जो है आपका 4-5 साल के बाद से निकलता है, तो वो लाइफ लॉन्ग तक रहता है। प्रीमोलर 2 upon 2 और मोलर 1 upon 1। मोलर का 1 upon 1 वह होता है जिसे हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, अकलदत्ता बोलते हैं, जो 17 से 25 साल की उम्र में निकलता है। तो कितना हुआ, 3/3 जोड़ा, यानी 6 ऊपर 6 नीचे बराबर 12 दांत। तो 12 दांत जो होते हैं लाइफ में एक बार निकलते हैं, टूट जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। 20 दांत ऐसे होते हैं जो दूध वाले दांत होते हैं, टूट कर दोबारा निकलते हैं। आइए चौथा पॉइंट हम लोग का जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है आपके माउथ में। तो सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियाँ आपके जो है मुख गुहा में कहाँ पाए जाते हैं, बगल कैविटी में कहाँ पाया जाता है। तो एक जो है आपका जो जीभ का जो जड़ है ना, यानी जहाँ से जीभ का जड़ है जुड़ा हुआ है, वहाँ पाया जाता है एक जोड़ा। ये दोनों जबड़े अपर एंड लोअर जो जहाँ पर मिले हैं वहाँ पर पाया जाता है, एक इधर एक इधर। और जो हम लोग का कान है, तो कान के ठीक जड़ के नीचे इंटरनली पाया जाता है, और इसके सभी पाइप जो होते हैं आपके मुख गुहा में खुले होते हैं। आप महसूस करेंगे जीभ के नीचे पानी आ रहा है, आप महसूस करेंगे कॉर्नर से पानी आ रहा है। तो उनका नाम क्या आर्डर ली, तो आपका जो है पहला जो जीभ के नीचे होता है उसे बोलते हैं सब लीगुअल ग्लैंड्स, यानी सब लीगुअल ग्लैंड्स की आपका अधोजीवा ग्रंथि। और जो जबड़ों के जड़ में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सब मैंडिबल ग्लैंड्स, सब मैंडिबल ग्लैंड्स ही अधो हनु ग्रंथि। और जो कान के जड़ में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, कर्ण मूल ग्रंथि। और ये जो है ग्रंथि जो यानी ग्लैंड्स है, कभी कभी आपको सो होता है, कब, जब मम्स यानी गलसुआ बीमारी होती है, तो ये ही ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, यानी वायरस के इन्फेक्शन से फूल जाता है। अब ये तीनों जो है क्या देते हैं, सलाइवा यानी लार देते हैं। लार किसका बना होता है, वाटर का, म्यूकस का और एंजाइम्स का। इसमें एंजाइम्स का रोल क्या होता है, तो एंजाइम जो होते हैं ब्रेक करने का काम करते हैं। अब इस एंजाइम में आपके दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक लाइसोजाइम होता है, एक टाइलिन होता है। टाइलिन का दूसरा नाम होता है एमाइलेज। तो टाइलिन का रोल क्या होता है, तो टाइलिन का रोल आपके शरीर में नेचर ने क्या किया, एज ए मेडिसिन के रूप में दिया हुआ है। आप देखोगे जितने भी जानवर हैं उनका कहीं भी कट पिट जाता है तो चाटते रहते हैं, चाट चाट के सही कर देते हैं,
लेकिन अगर आपके हाथ में फोड़ा फुंसी कुछ भी हो जाए तो आपसे बोला जाए 4 डिजिट सही हो जाएगा, आप नहीं करोगे। लेकिन अचानक अगर कोई काम कर रहे हो, पेंसिल छील रहे हो कट गया, या फिर कुछ सब्जी वगैरह चाकू से काट रहे हो कट गया, तो तुरंत उंगली मुंह में चली जाती है, कुछ समय बाद बाहर निकलती है, तो होता है क्या चीज़ है, ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो करता क्या है लाइसोजाइम, जितने भी माइक्रोब हैं उनको मार देता है, यानी जो भी इन्फेक्शन है उनको ख़त्म कर देता है, फिर प्रोटीन अपना काम कर देता है। और प्रोटीन का काम क्या है, रिपेयर करना, क्लियर। अब आपका टाइलिन का रोल क्या होता है, टाइलिन जो होता है जो आप खाना खाते हो तो उसमें से स्टार्च को क्या करता है, डेक्सट्रिन और माल्टोज में तोड़ता है, जो ग्लूकोज का ही भाग होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सबसे पहले जो है डाइजेशन कहाँ हो रहा है, आपके मुख गुहा में, ये आपका जो है नीट का क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्टली डाइजेशन वेयर अकर फर्स्टली डाइजेशन, यानी कहाँ पर पाया जाता है सबसे पहला जो है पाचन की क्रिया, तो मुख गुहा में, कहाँ पे, तो मुख गुहा में। कौन किसको तोड़ता है, तो स्टार्च को टाइलिन तोड़ता है डेक्सट्रिन और माल्टोज में, क्लियर है। ये आपका एक टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो समझ में नहीं आया तो कमेंट पर डाल दीजिएगा, और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।